दोस्तों सिट्रॉन अब इंडिया में अपनी मार्केट जमाने में लगी हुई है, क्योंकि पहले सिट्रॉन ने C3 लॉन्च की एंड वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में, एंड अभी हाल ही में C5 एयरक्रॉस का फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च किया था। लेकिन अब सिट्रॉन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उनकी एक इलेक्ट्रिक कार भी आने वाली है। इन्होंने बताया कि वह अपनी EV को 29 सितंबर को रिवील या लॉन्च करेंगे, तो कल ये कार लॉन्च होगी। रिपोर्ट्स की माने तो सिट्रॉन की C3 का इलेक्ट्रिक वेरिएंट होगा, क्योंकि पहले भी कई बार C3 का इलेक्ट्रिक वेरिएंट पाया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं C3 EV में आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। बात करें अगर डिजाइन की, अकॉर्डिंग टू लीक इमेजेस C3 EV का एक्सटीरियर डिजाइन ऑलमोस्ट सेम होने वाला है C3 के पेट्रोल वेरिएंट जैसे ही। एंड वैसे जहां पर C3 पेट्रोल में पेट्रोल भरने के लिए जगह होती थी, वहां पर C3 EV में आपको चार्जिंग सॉकेट का ऑप्शन मिलेगा। उसी तरह डिजाइन वाइज C3 में और कोई भी मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें आपको सेम LED DRL, सेम फ्रंट बम्पर ग्रिल एंड सेम अलॉय व्हील ऑप्शन मिलेंगे, एंड सेम चीज ही हम इंटीरियर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, EV होने के कारण C3 EV का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शायद आपको डिफरेंट देखने मिल सकता है, जिसमें EV स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी। एंड अगर आप बात करें बैटरी की रेंज की, तो अभी तक C3 EV की रेंज के बारे में कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। बट C3 जिस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, उस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में EV कार भी बिक रही है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि C3 में 40 से 50 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा, जिसमें आपको 300 से 350 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। एंड C3 EV का मेन कंप्यूटर होगा टियागो EV, जो आज लॉन्च हो चुकी है। बट जैसे C3 नेक्सॉन EV की जितनी ही लंबी कार है, तो हो सकता है कि नेक्सॉन से ये टक्कर ले सके। अगर सिट्रॉन C3 का प्राइस नेक्सॉन EV से कम हुआ, तो C3 इंडियन मार्केट में जरूर सक्सेसफुल होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, C3 इंडिया में चल सकती है? आपके ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाड़ी ट्रेंड एंड ड्राइव सेफ।